स्टूडेंट 12th क्लास के हैं वो सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। 12th क्लास की ऑनलाइन क्लास लेकर हम आ गए हैं। सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। 12th क्लास के सूत्रों में अवकलन को आज लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अवकलन क्या है, अवकलन कैसे करते हैं, अवकलन होता क्या है, अवकलन के कितने सूत्र होते हैं, सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि अवकलन होता क्या है। तो किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि अवकलन कहलाती है। एक बार फिर से, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि अवकलन कहलाती है। और उसमें हम फार्मूलों को लेकर चलने वाले हैं कि फार्मूले अवकलन के लिए क्या क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, ये आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो वाई बराबर एक्स पे एन यदि आपको दे रखा है तो इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन dy बट्टे dx इसका हो जाएगा n x पे n माइनस का 1। याद रखें, अगर ना हो तो लिख लें। दूसरा इसका फॉर्मूला है y बराबर log x, आधार बेस e है इसका, तो इसका अवकल गुणांक क्या होगा, dy बट्टे dx इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। ये इसके फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा इसका फॉर्मूला है y बराबर c, तो y बराबर यदि c दे रखा है आपके लिए तो इसका dy बट्टे dx क्या होगा वह आप देख लीजिए, तो इसका जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होगा ये आपको बताने वाला हूँ। यदि y बराबर c है और c इक्वल टू आपका 1, 2, 3 या a, b, c या कोई भी संख्या है जिसमें x रहित है, x रहित पद अगर वो है उसका अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका मान जीरो आता है। ठीक, अगला है आपका चौथा फॉर्मूला y बराबर log बेस a और x, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बट्टे dx इक्वल टू 1 अपॉन x log बेस a और यहाँ e आ जाता है। इसको ध्यान रखें, ये बहुत बार एग्जाम्स में इसी को लेकर एक क्वेश्चन आता है। अगला फॉर्मूला है आपका y बराबर a पर x यानी a की घात x, तो इसका dy बट्टे dx क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो हो जाएगा a पे x और log a आधार e a, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6 है आपका y बराबर यदि आपको e पे x दे रखा है तो उसका dy बट्टे dx क्या होगा, e पे x का e पे x ही रहेगा। डाउट में मत रहिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे पूरी तरह से। अगला सवाल उसका सॉरी फॉर्मूला है आपका y बराबर sin x, तो इसका dy बट्टे dx यानी x के रेस्पेक्ट अवकलन इसका होगा डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट, sin x का होता है cos x। अगला 8 नंबर है y बराबर यदि आपको cos x दे रखा है तो dy बट्टे dx इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x का sin x और वो भी किसका, माइनस का। अगला है आपका 9 y बराबर यदि आपको tan x दे रखा है और तो इसका dy बट्टे dx आपको निकालना है तो वो हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x। 10वां है आपका y बराबर यदि आपको cot x दे रखा है और उसका dy बट्टे dx आपको निकालना है तो कितना रहेगा, वो हो जाएगा cosec स्क्वायर x और किसका, माइनस का। अगला है आपका यदि y बराबर आपका sec x दे रखा है और उसका आपको dy बट्टे dx निकालना है तो उसका आपका हो जाएगा sec x tan x, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा ना कि ऐड में। 12वां आपका फॉर्मूला है y बराबर आपका यदि cosec x दे रखा है और उसका आपको dy बट्टे dx निकालना है, ये इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आपको लग रहा है
कि माइनस कहाँ आएगा, तो साइन में माइनस नहीं आता है, कॉस में माइनस आता है, टेन में माइनस नहीं आता है, कॉट में माइनस आता है, सेक में माइनस नहीं आता है और कोसेक में माइनस आता है। ये आपके याद करने के लिए बहुत ही अच्छी तरकीब है कि आपको इनमें माइनस आता है, किन में माइनस नहीं आता है, वह आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है 13वां नंबर, वाई बराबर और इनवर्स में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डिफरेंशियल डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपका यदि कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है तो उसका डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पे भी यदि साइन दिया है तो उसका पॉजिटिव रहेगा, कॉस दिया है तो उसका नेगेटिव रहेगा। इन फॉर्मूला को लिखने के बाद, पढ़ाने के बाद हम आपको एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स की करनी है, फुल कोर्स आपका कराया जाएगा इसमें, और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वह पूरे के पूरे इसमें कराए जाएंगे, जो बोर्ड में आने की संभावना प्रबल उनकी रहती है। तो ये आपका 14वां हो गया। अब पढ़ाएँ वाई बराबर, यदि आपका टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, जब टेन इनवर्स एक्स दे रखा है तो डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। यदि आप भूल भी जाते हो तो इन फॉर्मूलों को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 16वां आपका क्वेश्चन है, वाई बराबर यदि आपको दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स, तो उसका है डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का माइनस, क्या आएगा माइनस, क्योंकि साइन टेन और सेक ये प्लस होते हैं, बाकी कॉस कॉट कोसेक तीनों सी वाले जो प्रथम अक्षर आता है वो तीनों माइनस का डिफरेंशियल कोफिशियंट होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का वन प्लस का एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आता है 17 नंबर, वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स में आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये आपका हो जाएगा, एक बार काट के दोबारा लिख देता हूँ, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये आपका सेक का हो जाएगा। और यदि y बराबर आपको कोसेक दे रखा है, कोसेक इनवर्स x, तो dy वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, वन अपॉन माइनस का आएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। और एक फार्मूला आपका और आएगा, जो फार्मूला यदि आपके दो दे रखे हैं पद, आपको कैसे करना है उन्हें ये आपको बता दिया जाए, कि प्रथम पद दे रखा है और इनटू सेकंड पद दे रखा है और एक्स के सापेक्ष अवकलन करवाया है, तो उसका अवकलन कैसे याद करें, तो क्या करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू पहला फलन यो का तो डी ओवर डी एक्स, दूसरा फलन प्लस के दूसरा फलन यो का तो डी ओवर डी एक्स प्रथम फलन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दो फलनों के गुणनफल के लिए। आगे आपका आता है, यदि फर्स्ट फलन बटे सेकंड फलन है तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेकंड फलन का होल स्क्वायर, ये आपका डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू सेकंड फलन का होल स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा तो ऊपर सेकंड फलन आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, डी बट्टे डी एक्स फर्स्ट फलन हो जाएगा और माइनस आएगा फर्स्ट फलन यो का तो डी बट्टे डी एक्स सेकंड फलन आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि आप
अभी समझ में अगर नहीं आए हैं ये फॉर्मूले तो हमें कमेंट करें, हम आपको दोबारा से समझाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही सौरभ सर मैथमेटिक्स